लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे आइसक्रीम स्टिक्स से स्टैंड। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसमें हम सीजर इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हम वूल इस्तेमाल करेंगे रेड एंड ग्रीन कलर में भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम ग्लू गन इस्तेमाल करेंगे। ले लेनी है 2 आइसक्रीम स्टिक्स, उसे आपने इस तरह अपने एंगल से पहले सेट कर लेना है। उसके बाद आपने एक और आइसक्रीम स्टिक लेनी है, इसे आपने इस तरह ग्लू गन की मदद से जोड़ लेना है। थोड़ा एहतियात कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर आपने कर देना है। सेम इसी तरह आपने सारी अब ये देखिए मुझे ना इसकी लेंथ कम लग रही है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसके इधर कॉर्नर पे जो थोड़ी सी जगह बची है उधर से और स्टिक लगा दूँगी। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह करना चाह रही हैं। अगर आपको इतनी लेंथ रखनी है तो आप इतनी रखें, अगर आपको ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लें। बस इस स्टिक्स को ना सीधी उल्टी साइड का भी ख्याल रखना है। इसको टर्न सेम इसी तरह आपने सारी स्टिक्स लगाते जाना। मैं आपको चेक कर लूँ कि कहाँ तक बिल्कुल कॉर्नर पे आपने इस तरह लगाना है इसे। स्टैंड बन चुका है, अब हमने स्टैंड को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फ्लावर बनाना सिखा दूँ, आपने वो लेना है, बहुत ही ईजी है। आपने इसे सेम इस तरह अब हमने इसे पहले दरमियान से बांध दिया, अब हमने इसे यहाँ से कट करना है। इसके बाद ये साइड से इस तरह कट करना है।
सेम दूसरी साइड से भी इसी तरह हम कट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। मैंने इस तरह का सेम पहले एक बना के रख दिया। अब हम इसी तरह के और फ्लावर पहले हम इस तरह ग्रीन बोल लेना सेम ग्रीन वैसे ही कर। पहले हमें थोड़ा सा धागा इसमें छोड़ दिया। सेम इसी तरह जो हमने फ्लावर बनाए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए हमारा स्टैंड बन के रेडी हो चुके हैं। अब आप इसे डिफरेंट वे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें कि मैंने इसमें मोबाइल डाल के इसे हैंग किया है।